आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि साड़ी में से झल्लर कैसे बनाते हैं। जो भी आप बना रही हैं, डोरमेट या चटाई कुछ भी बना रही हैं, तो आप इस तरीके से उस पर झल्लर लगा सकती हैं। अगर आप डोरमेट पूरा बनाना चाहती हैं और आप पर झल्लर नहीं आती है एक साथ डोरमेट के साथ, तो इस तरीके से उसमें झल्लर भी बना सकती हैं। 8 फंदों के साथ ही साथ डोरमेट के झल्लर भी बना सकती हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे। तो देखिए मैंने ये एक एक इंची की पट्टियाँ कट की हैं, लंबी लंबी एक इंची की पट्टी कट करेंगे। देखो इस तरीके से। अब इसे हमें अगल नहीं करना है, इसी में जूझ रखना है। क्या करेंगे, इसे हम अगल नहीं करेंगे और यहाँ से कट करके ऐसे ही अपना पूरी साड़ी का गोला बना लेंगे। देखिए इस तरीके से। अगर आपको ये कलर अगल करने हैं तो आप इसकी चीरें अगल कर लें, मगर हम लंबी लंबी चीरों से इसी तरीके से गोला बनाएंगे। तो पहले ये बना लेते हैं थोड़ा सा और। तो देखिए अब क्या करेंगे, मैंने ये गोला बना लिया है, इसमें एक नोट लगाएंगे पहले इस तरीके से। अब इसमें से ऊपर से ऐसे 8 फंदे डालेंगे। सिर्फ हम 8 फंदों की कलर बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8। ये देखिए मैंने 8 फंदे डाल लिए हैं इसमें। एक सिलाई हम सादा बनाएंगे अपनी तरफ से ही, बस ऐसे ही उल्टी उल्टी। तो देखिए एक सिलाई मैंने बना ली है। अब यहाँ से इस तरीके से देखो ऐसे एक फंदा बढ़ाएंगे। देखो सिलाई के ऊपर से धागे को डालेंगे इस तरीके से, एक फंदा बढ़ाएंगे। ये मैंने फंदा बढ़ा लिया है, फंदा हम एक तरफ ही बढ़ाएंगे बस, और सभी सिलाई को वैसे ही बना लेंगे। मैं आपको थोड़ा सा बनाकर समझाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारी झल्लर बनके तैयार होगी। तो मैंने आपको थोड़ा सा बनाकर दिखाया है, अब मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने इस तरीके से ये झल्लर बनाई है। एक एक करके हम फंदा इस तरीके से बढ़ाएंगे। अगर आप इसे डोर मैट के साथ बनाना चाहती हैं तो वो भी बन जाती है। और कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही एक एक फंदा एक तरफ से ही बढ़ाना है। इधर की साइड से मैंने कोई फंदे नहीं बढ़ाए हैं और ना कोई फंदे हमने इसमें घटाए हैं अभी तक। तो टोटल हम फंदे 4 बढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे। 4 फंदे पहले हम बढ़ा लेते हैं। एक बार मैं आपको और बता देती हूँ फंदा बढ़ाकर। देखिए इसी तरीके से हम फंदा बढ़ाएंगे 4। तो ये मेरे 4 फंदे हो गए हैं। इस सिलाई को हम पूरा बुनेंगे। अब आप देखिए मैंने एक एक करके 4 फंदे बढ़ा लिए हैं। अब हम एक एक करके 4 फंदे इस तरीके से घटाएंगे। देखो यहाँ से मैंने ये बढ़ाए थे और यहाँ से घटाए हैं। अगर आप पर इस झल्लर का लगाना नहीं आए डोरमेट के साथ, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लिखना, तो मैं आपको डोरमेट के साथ इसी झल्लर का डोरमेट बनाकर दिखा दूंगी। ये झल्लर भी होगी उसमें और डोरमेट भी होगा। तो देखिए मैंने एक फंदा यहाँ से गठा दिया है। अब हम पूरे फंदे ऐसे ही बनाएंगे और एक एक करके 4 फंदों को हम गठा देंगे। टोटल फंदे इसमें हमारे झल्लर में 8 हैं, तो हम सिर्फ 8 फंदे इसमें रखेंगे और एक एक करके ऐसे ही घटाते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे और अपनी झल्लर की डिज़ाइन इस तरीके से बनाते जाएंगे। देखो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना, मैं आपको इसी झल्लर का डोरमेट भी बनाकर दिखा दूँ। तो पहले 4 फंदों को हम घटा लेते हैं। तो देखिए अगर आपकी इस तरीके से ये पट्टी ख़त्म हो गई है, तो दूसरी पट्टी हम इस तरीके से लगाएंगे, इसके अंदर की तरफ रखेंगे। देखो इसमें थोड़े से अंटे लगाएंगे ऐसे। इससे क्या होता है कि पता भी नहीं चलता कि कहाँ पर हमारी ये पट्टी जॉइंट हुई है। ऐसे ही एक और फंदा घटाएंगे, जैसा हम बुन रहे थे वैसा ही उल्टा उल्टा बुनेंगे।
तो देखिए अब यहाँ पे मेरी ये डिजाइन बंद हो गई है। 8 फंदे हो गए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अब हम फिर से ऐसे ही फंदा बढ़ाएंगे जैसे हमने पहले आपको बताया था सिलाई के ऊपर से डाल। ऐसे ही हम 4 फंदे घटाएंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करें। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।